गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय चलाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अंग श्याम दिन छटाभिरवितो मन्ये कृतेन्दीवरम् जड्गंजा गुटरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि सत्तामापिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्जलभुजं ध्यायेम दामोदरं सत्याविहीनापराधलक्ष्ये चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तवैवास्मि न जिमामि जया विना यत् किङ्करीषु बहुकौशौ खलु का भुवानि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्यापदारसुधे श्लोक पर विचार करें दृष्ट स्वभाव जनित दोष न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पक्षे गंगा भसां न खलु बुद्बुद फेन पंकै ब्रह्म दत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। ये जगत में जो अवस्थित भक्त लोग हैं हो सकता है कि उनके नीचे कुल में जन्म हो, किसी किसी को कठोरता भी स्वभाव में हो, कठोर जिसका स्वभाव है, किसी किसी में हो सकता है कि आलस्य भी हो, ये सब स्वाभाविक दोष है। वपुगत और स्वभाव, वपुगत शरीरगत, शरीर से नीचे कुल में उत्पन्न होना, काला होना, कलुठा होना, कर्कश गले का होना, ये सब शरीरगत, और स्वभावगत कठोर वचन बोल देना, ये सब ऐसी ये चीजें हैं। ज्वर इत्यादि जिसको हो गया, रोग हो गया कुछ, तो कुछ कुरूप हो गया, ऐसे जो दोष हैं शारीरिक और स्वाभाविक, उनमें भक्तों में प्राकृत भाव नहीं देखना चाहिए। उसमें हमको कम आदर करेंगे और उच्च कुल वाले बड़े रूपवान हैं, स्वभाव के बड़े मधुर हैं, इसलिए उनको अधिक आदर करेंगे, ये सब विचार नहीं चाहिए। किस पर विचार होना चाहिए? उनके भक्ति के ऊपर भी विचार होना, उनका अधिकार क्या है इस पर विचार करना चाहिए। जो उत्तम भक्त हैं या मध्यम में भी, मध्यम से भी उत्तम हो रहे हैं, उन लोगों में ये बहुगत और स्वभावगत ये सब नहीं देखना चाहिए। उन्हें साधारण जीव नहीं समझना चाहिए उन भक्तों को। जैसे गंगा में, गंगा ब्रह्म द्रवत्व जल है, वो ब्रह्म ही है, किंतु उसमें कीचड़, बुलबुल, बुलबुल माने फेन, फेन बहुत ही अशुभ माना जाता है, पाप का चिन्ह माना जाता है। फेन को स्पर्श करने से स्नान करना होता है साधारण जो, किंतु गंगा में फेन, बुलबुल और कीचड़ भी रहे तभी गंगा का जल अपना धर्म नहीं छोड़ता, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। उसी प्रकार से वैष्णव लोग भी प्राकृत शरीरगत और स्वभावगत उनमें कुछ दोष देखा जाए तो उसमें प्राकृत दोष का आरोप नहीं करना चाहिए।
वैष्णव में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, शुद्ध वैष्णव जो है उनमें कौन जाति के उत्पन्न हुए हैं ये सब मत देखो, उसको नारकीय कहते हैं जो वैष्णव में जाति इत्यादि देखते हैं। इन विचारों को शुद्ध भक्तों में कुसंग और नामापराध का होना असंभव है। जो शुद्ध भक्त हो गए उनमें कुछ कुसंग रह सकता है और नामापराध हो सकता है, ऐसा संभव है। अभी पूज्य पाद कम महाराज जी ने भी बतलाया, अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद में निष्ठा। संपूर्ण से अनर्थ निवृत्ति उस समय में नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ रहता है तभी आतंकिक रूप में वो दूर हो जाता है, तब बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि के द्वारा विचार करके निष्ठा। किंतु धीरे धीरे भगवान का भजन करने से वो अनर्थ भी दूर होकर के फिर रुचि और अनर्थ दूर हो जाएगा तब फिर आसक्ति, और जब अनर्थ प्राय सब दूर हो गए तब फिर शुद्ध सत्व आदि वो भाव भक्ति जाएगा। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनमें कुसंग और नाम अपराध नहीं, वो नाम अपराध नहीं करते और कुसंग नहीं करते। किंतु वैष्णवता के नाम पर जो स्त्री संग करते हैं, कुसंग करते हैं, उनके लिए महाप्रभु जी का बड़ा कठोर शासन है। वैष्णव का वेश लेकर और गोपन रूप में अत्याचार, बुरा धरे चूड़ी पिया थे, लोक देखानो गोरा भजा तिलक मात्र धरी गोपन में थे अत्याचार, गोरा धरे चूड़ी। यदि भजन करवार इच्छा यदि थाके ताले छोटो हरिदास कथा थाके जनो ऐसे लोगों के संग में भजन नष्ट हो जाता है। इन लोगों का संग, ये वैष्णव है ही नहीं है। ऐसे लोग जो गोपन अत्याचार करते हैं, ऊपर से तिलक माला और लाल कपड़ा लेते हैं और कुसंग करते हैं, स्त्री संग करते हैं और दूसरे दूसरे उनमें हैं, तो उनको वैष्णव ही एकदम समझो, उनको आदर करना का बात कहीं भी नहीं दिखा गया। कृष्ण जस्य गिरिं तमसा मनसा गृहीत, उनमें भी ये कुसंग दोष रहित। जो एक नाम करने वाले भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, उनको सर अपने फैमिली का फैमिली मैंने परिवार, अपना परिवार मान करके उनको आदर कर मनी मन में, किंतु कुसंग दोष वर्जित, स्त्री संग दोष वर्जित भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्पष्ट किया। ऐसे दोष वर्जित एक नाम भी यदि करते हैं तो भाई का आकर, और जो इससे ऊपर पड़े हैं दीक्षास्ती विद्वत रूढ़ी वृत्ति से जिनकी दीक्षा हुई है उनके दोष दूर हो गए हैं और कृष्ण से संबंध ज्ञान हो गया है, ऐसे संबंध ज्ञान विशिष्ट व्यक्ति दीक्षित व्यक्ति को मन में से भी आदर करो और प्रणत भी प्रणाम इत्यादि के द्वारा सब प्रकार से उनका आदर, और उनके ऊपर की तो बात ही क्या है। तो यहाँ पर सर्वत्र पहले ही नहीं जो बतलाया गया, जो लोग गोपन में अत्याचार करते हैं, स्त्री संग इत्यादि करते हैं, स्त्रियां भी पुरुषों का संग करके और वैष्णवी साधती हैं, उनके लिए भी उनको हम लोग तो कोई दंड नहीं दे सकता, उनको दंड कौन देगा, महाप्रभु छोटा हरिदास की बात। यथार्थ में उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया था, किंतु कहते हैं कि महाप्रभु तो ऐसे शासन करेंगे नहीं, उनके भीतर में हो सकता है कुछ हो या उनमें ना हो, अपने परिकर के हैं इसलिए उनके माध्यम से सबको ये शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए याद रखो भाई, लाख जन्मों में दूसरों को से कपटता करके और भीतर भीतर में ये सब चीज रखेंगे और वैष्णव होंगे, वैष्णव की सब सुविधा लेंगे, महाप्रभु उनको भक्ति नहीं देंगे बल्कि और अपराध से उनका अपराध जो है कैसा होगा, वज्रडीप हो जाएगा,
इसलिए खूब सावधान हो गए इस विषय में। वैष्णव में दोष मत देखो, किंतु अवैष्णव को वैष्णव मत मान लो, ये भी ठीक रखो। वैष्णव को वैष्णव हो सकता है, कुछ क्रोधी हो, दुर्भाषा जैसा, कोई भी बात नहीं। जब जैसा होता है ऊपर से बड़े कठोर दिखते हैं, बोल देते हैं, शासन करते हैं, भीतर कोमल है, ये कम समझेगा। हो सकता है कि वो शासन करने वाले, किंतु उनमें वैष्णवता है भी नहीं। ये देखो, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है, ऐसे वैष्णव में कोई दोष ईर्ष्या नहीं। और जो कपट वेश धारण करने वाले, कुसंग करने वाले हैं, उनमें ईर्ष्या द्वेष ये सब भरा रहेगा। इसलिए ऐसे वैष्णव को वैष्णवोचित सम्मान दे करके नहीं रखना चाहिए, उनके मुख से कीर्तन भी नहीं सुनना चाहिए, उनके मुख से हरि कथा भी मत सुनो। यदि वैष्णव वेशधारी तिलक माला भी लगाए हुए हैं, यदि भक्ति चाहते हो तो कैसा संग करना चाहिए? स्वजातीय आशय स्निग्ध और अपने से उन्नत सर्व दोष विवर्जित सर्वगुण समन्वित ऐसे वैष्णव का तत्वविद हो, रसिक हो, ये रूप गोस्वामी की शिक्षा है। थोड़ा सा बोलिए, विष्णु बोलेगा, विष्णु क्यों बोलिए बोलिए। भाई यदि भजन करने की इच्छा है तो रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं वो सुनो, महाराज भी जो कह रहे हैं वो सुनो। ऊपर से कभी कठोर महाराज बोलते हैं, किंतु भीतर बहुत ही कोमल है भाई इनका। हम लोगों के लिए कठोर वचन का व्यवहार कभी कभी करते हैं, किंतु वह अमृत के समान है इनका शासन। ऐसे वैष्णव का शासन नहीं मानने से भजन नहीं होगा। और जो दुष्ट लोग हैं, कुसंग वाले, ऊपर से मधुर बोलेंगे, तिलक माला लेंगे, किंतु भजन के विपरीत है, इसे सर्वथा दूर रहो। ऐसे वैष्णव का मार भी खा लो, डंडे भी सह लो, गाली भी सह लो, कल्याण होगा। और ऐसे लोगों का कृपा भी वो जहन्नम में ले जाएगा, इसे तो समझो। हरे कृष्ण। So far we were listening about Paryojan, our goal. Now we have to understand our sadhana process. In this regard, we have already heard 5 verses of Upadeshamrita. Maharaj is now explaining today 6th verse. It says, there are Vaishnavas of high qualities in this world who are established Vaishnavas. It may be possible that their nature may be a little bit harsh. It may be possible that you may see that they may not belong to very high class family and they belong to low class family. May be possible that there is some laziness in them, but they are situated high class devotee. They may be not so beautiful. They may be ugly. So Maharaj is categorizing that these 2 types of faults may be appeared in them. One is called sharirgat, that is bodily dosh, and other is called swabhavgat, that is fault by nature. These faults may appear in those Vaishnava. Why you are telling fault? Don't tell. Defect. Defect. Dosh. Defect. Inefficiency? What do you call? No. Defect. 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 No defect, also not defect. I don't find any appropriate word for this. Deficiency. Shortcoming. Shortcoming. So there may be bodily shortcomings or nature shortcomings, but we should avoid them. We have to measure one's Vaishnavata according to his dedication for Krishna, not one, according. One thing, take this cloth. Some are standing there. The cloth. The devotees can see. And you should not give cloths here.
This will be a cross outside. So we will honor them. We will not consider these shortcomings. Just as in Ganges, many times we find there some dirt, many times we find there some filth, many times we find in it some bubbles also. Foam. Some foam in it. But that does not mean that Ganges purity is gone. It is same water. It is transcendental water and it has got transcendental potency. Similarly, there may be so many Vaishnava who may reflect such type of shortcomings, but according to those shortcomings, we should not underestimate their Vaishnavta. Those who does like this, they are Narkiya. Maharaj said they will go to the hellish planet. The important thing which we measure in high class of devotees, which is called Shuddha Bhakta, you will never find that they will have kusangs. They will never do any bad association. They will never conduct any nama prad. They will be free from offenses. This is the symbol by which we can recognize high class of devotee. Maharaj is explaining, as Pujyapad Trivikram Maharaj also said, important thing, when we develop in our bhakti, anarth goes away. Unwanted desires go away. This is most important thing. When most of the anarth goes away, only then a person situates on nistha. Nistha means now his mind is fixed up. How can the mind will be fixed up if he is having so many different desires? So, as unwanted desires go, anarth removed, one situates as on the position of nistha. And then from the nistha position, when he cultivates more bhakti, and his anarth goes gradually, gradually, more and more, then taste comes in him, and further, ruchi comes in him, asakti comes in him. Then Maharaj says, when praya, most of the anarth goes away, most of the unwanted desires goes away, then he gets situated on the position which is called bhava. So, such persons who are situated on this position, they will never have bad association and they will never do any offense. On the contrary, there may be some persons, those who apparently show themselves high class of Vaishnava by putting very fine tilak, and their nature may be very sweet, but within they have desire of associating with women and doing atyachar. What is atyachar? What is the meaning of Gopan atyachar karte hain. Atyachar mane bad behavior. Is tarah ka sanga karte hain sikhata. Is tarah ka sanga se juraachar karte hain. Those who are doing the most offensive thing in this regard, most unwanted in this thing is woman association. And those who are having their greed and ill and malicious feelings in their heart. And so many worldly desires. And worldly desires. And their symptom, what symptom? They will try to show that we are Vaishnava. They will try to sing first. They will have mota-mota tila, mota-mota mala, so big. Or they will sit first and they will try to show that we are Vaishnava. I can do like this. But Vaishnava who will be very humble and polite, they will not do like this. If we associate with such people, then we will lose our bhakti. Maharaj is warning here very clearly that we should understand according to Srila Rupa Goswami that who is the Kanishka bhakt? A bhakt
only once we have to render our honor to him from our mind, by our mind. But even this bhakt to whom we are giving respect by our mind, because he is chanting only once, he must be initiated person, and he should be that person who has given up kusam. This is the most important thing. And the person who is taken initiation and who in this Vidyat Rudi Parampara and who is dedicated and who has situated in Madhyam Adhikar, Maharaj is saying, we should do pranam to him practically, physically. Kusan means bad association. So, Maharaj is very well explaining also, in this regard. Those who are changing their husband daily, not daily but in year 2-3, and those ladies who are changing their husbands and thrice, twice, or in a year or in a two, they are also Kusanga. They should be aspired so. So, those people, Maharaj is again warning, we should respect to Vaishnava, that is fact. But at the same time, we should recognize Vaishnava also. We should have this capacity. Those who are imposter and they are showing themselves as Vaishnava, if we respect to them, we will go to a hellish planet again. This will be our bad association. Maharaj is warning very clearly. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he has shown very clearly that any person who is Tyagi, who is showing himself high class of Vaishnava, but inside, within his heart, is having desire to associate with woman, or he does so, he will be punished like Chota Haridas. Maharaj is saying, of course Chota Haridas was Parikar of Chaitanya Mahaprabhu, but from him he has established a principle, a siddhant, and this siddhant is that any person from outwardly he will show himself Vaishnava and inwardly associate with woman, he will be punished directly by Chaitanya Mahaprabhu. This is the important point. So Maharaj is clearly stating with whom we should. Not Maharaj, Rupa Goswami is clear. Rupa Goswami is clearly stating, narrated by Maharaj, that he is afraid of speaking this. Eh? Maharaj is not speaking. No. Maharaj is afraid of speaking this. With whom we should associate? Association must be so jatiya snig. Important point in this regard, that he should be higher Vaishnava than us. And he should be very much benevolent on us, merciful on us. And secondly, he should be sajatiya. Sajatiya means? Like-minded. And also not having all these bad qualities. But bad association. And such type of advanced devotee we should associate. Gaur Pramanande. Hum logon ki basse khadi hain. Abhi hum log Nandagaon mein jayenge. Raaste mein hum log प्रेम सरोवर संकेत उद्धव प्यारी ललिता कुंड दर्शन करके ऊपर में नंद भवन में नंद महाराज जी के और यशोदा इत्यादि जी के हम लोग दर्शन करेंगे। एक बात और है, 7 बसें आई हैं, 7 बसों में से यदि जरूरत होगी तो 1 बस को हमारे लिए है दीपक जी, जरूरत होगी तो 1 को बंद कर देंगे यदि हमारे यात्री नहीं, ये देख लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे यात्री जितना लिस्ट है वो लोग उस पर चले, और यदि थोड़ी सी जगह रहती है तो जिन्होंने नाम नहीं लिखाया है मथुरा से जैसे आए हैं वो यात्रियों को अशुद्धा देकर के न चले, ये सब अच्छी तरह से विचार करके चलेंगे। जिनका नाम लिखा गया है उनको पहले जगह दे करके
क्योंकि वहाँ के लोग यदि अधिक और दूसरे जगह के हैं जो उन्होंने नाम नहीं लिखाया है, तो एक वर्ष का किराया कम से कम तो 50-60 हजार रुपया है, ये समझ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग परिक्रमा का पूरा संकुलन नहीं कर सके, ये सब विचार दे करके आप लोग सब व्यवस्था रखेंगे। जब भी उसमें जगह हो दीपक जी देख लेंगे, और जिनका नाम नहीं है वो लोग सब अंग्रेजी में भी बोले। हरे कृष्णा, बिफोर फिनिशिंग आई वुड लाइक टू अगेन से इन दिस डिस्कशन महाराज जी वाज सेइंग इट मे बी पॉसिबल दैट हाई क्लास वैष्णवा अपेरेंटली अपीयर वेरी हार्श लाइक दुर्वासा, एंड देन ही वाज सेइंग इट मे बी अपीयर दैट लाइक पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज इट अपीयर दैट ही इज स्पीकिंग वेरी स्ट्रांग वर्ड्स टू अस, बट दिस इज हिज मर्सी, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग, वी शुड एक्सेप्ट देयर रॉड एंड देयर डिसिप्लिन एंड देयर इंस्ट्रक्शन टू आवर हार्ट, दिस विल बेनिफिट अस। नाउ Maharaj is saying that we are going to Prem Sarovar and Sanket and then Nand Bhavan. Buses are there. They are waiting for us. And those who are having registration number, they will occupy their seat. And from other places like Mathura and other, those who have come and they don't have registration number, they should not occupy the seat first. If there is any vacancy, then they can be adjusted here. Otherwise, they will have to go standing. Also, there are... Prem Sarovar. Why is he named? Madhav. राधार कथा मन पड़िल, राधार कथा क्यों और कारो कथा मन पड़ल ना क्यों? राधारानी ईश सेवा कर समस्त प्रकार कृष्ण प्रीति बांछा कर कृष्णमयी भाव जार अंतरे बाजिरे जहा जहा नेत्र पड़े तहा कृष्ण पुरी बोलछे कृष्णमय जगत देखें আর কিছু জানেন না, কৃষ্ণের বিধি বিধান ছাড়া তার আর কিছু ছিল না। তখন কৃষ্ণ কি করলেন? আপনার ধেনু বৎস সঙ্গী গণে में जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं
ये है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर यहाँ पर एक सिद्ध चित्र के सर्वोत्तम भूमिका का स्थान है, जहाँ पर वृषभानंद राजनंदिनी राधा जी के अंदर प्रेम वैचित्र की दशा प्रकट हुई है। इस प्रकार प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ पर प्रकाश हुआ है। यह एक स्थान प्रेम सरोवर है। यहाँ की एक छोटी सी लीला कथा, जैसे किसी समय श्याम सुंदर राधा जी के साथ में यहाँ बैठे हुए हास्य विनोद में बातें करते हुए इस प्रकार बैठे हुए हैं, ऐसे समय में एक भ्रमर राधा जी के चरण कमल में आकर के बैठने को जा रहा है। ऐसी स्थिति में गुनगुन करता हुआ उड़ता हुआ आ रहा है, बार बार बैठने को आता है। राधा जी हाथों से उसे हटाने को चाहती है, परंतु वो जाता नहीं, बार बार घूम घूम करके आता है। यह देखकर दूर से मधुमंगल ने यह जैसे देखा तो सामने आए, आ करके एक पतली सी लठिया से उस भौरे को हटाने लगे। हटाते हटाते बहुत दूर कर दिया। जब दूर कर दिया, दूर चला गया, तब मधुमंगल लौट के आया और बोले कि मधुसूदन भाग गया, मधुसूदन चला गया। राधा जी इस बात को सुनकर इस प्रकार भावाविष्ट हो गई कि चरम स्थिति पर पहुंची। भावविष्ट होकर के मूर्छा होकर के गिर पड़ी, एकदम मूर्छित होकर के गिरी। कृष्ण ने देखा कि मैं निकट में बैठा था और राधा जी साथ में है। मेरे निकट में होते हुए भी इतना विरह होता है, और जब मैं दूर में रहूं तो कितना स्मरण होगा, और उस स्मरण में आनंद में खो जाएगी, डूबी रहेगी। प्रेम की एक ऐसी स्थिति होती है। प्रेम को कहा गया है प्रेम कभी अपना सुख नहीं चाहता है, प्रेम सदा सर्वदा प्रेमास्पद का प्रतिविधान को ही चाहता है, प्रेम कभी अपना स्वार्थ युक्त नहीं होता, प्रेम सदा सर्वदा निस्वार्थ होता है, और निस्वार्थ प्रेम प्रेमिक के अंदर में ही होता है। वह कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता। किस तरह से प्रेमास्पद को प्रतिविधान करें, कैसे प्रसन्न करें, कैसे सुखी करें। वह प्रेम जब निस्वार्थ निष्काम रूप से बढ़ता चला जाता है, तब उसे कहा जाता है समर्था प्रेम, जो ब्रजगोपियों में था। वृषभानु राजनंदिनी राधा जी में सर्वश्रेष्ठ रूप में वह प्रेम प्रकाशित हुआ, जो निस्वार्थ निष्काम प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता हुआ। राग अनुराग प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव के द्वारा चरम सीमा को प्राप्त हुई। यहाँ तक कि रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव के ऊपर में आता है चित्र जल्प भाव, और उसमें प्रेम वैचित्र की स्थिति को दिखाई गई। उस प्रेम वैचित्र की स्थिति यहाँ पर आई है, जो कि प्रेम में मिलन और विरह दोनों स्थिति है। मिलन में विरह की अनुभूति होती है और विरह में मिलन की स्थिति आती है। विरह में क्या है, विप्रलंब भी एक रस है, जिस विरह में स्मरण स्फूर्ति तथा आविर्भाव ये तीनों देखे जाते हैं, निरंतर स्मरण होने लगता है, और भजन करते करते साधक भक्तों को स्फूर्ति होती है, सिद्ध परिकरों के अंदर में स्फूर्ति होती है, और उसके साथ साथ विरह में साक्षात रूप में मानव प्रकट हो जाते हैं। राधा जी विरह में उन्मादिनी होकर के एक एक लताओं में एक एक पेड़ों से पूछती हैं, श्याम सुंदर कहाँ है। पेड़ के आड़ में श्याम सुंदर को दिखाई दे रहे हैं, देख रही है राधा जी, पकड़ने के लिए जाती है, उस समय पकड़ नहीं पाते, मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। इस प्रकार की ये स्थिति जो है विरहनी उन्माद की स्थिति है। तो ये विरह में होता है, और ऐसे मिलन में भी विरह की अनुभूति होती है। निकट में होते हुए मानो बहुत दूर कृष्ण चले गए,
हमें छोड़कर। इस प्रकार श्रील कवि जयदेव जी ने भी कहा है, ललित लवंग लता परसी, बसंत का समय वर्णन करते हुए मिलन जिस समय विरह और मिलन दोनों की स्थिति को दिखाया, जहाँ एक और सुख का आनंदप्रद है, दूसरी और विरहिणी जनों के लिए अतिशय निदारुण विरह व्यथा को प्रकट कर देता है। इस प्रकार यह प्रेम की स्थिति है, जहाँ विरह और मिलनमय प्रेम का भाव प्रकाशित होता है। कृष्ण इस बात को देखकर, इस भाव को देख करके राधा जी के अंदर इतना उन्नत उज्जवल विरहमय प्रेम प्रकाश हो रहा है। अब इस विशुद्ध प्रेम को जगत को दिखाना है, समझाना है कि राधा जी का प्रेम कितना ऊंचा, कितना महान। इसलिए उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि यहाँ से यदि दूर जाऊं तब राधा जी मेरे विरह में मिलन की स्थिति को स्मरण कर उसी में डूबी रहेंगी और लीलाओं को भी कर लेंगे। इस तरह से जगत को विशुद्ध प्रेम प्रकाशित करके दिखाना है। तो इसलिए यहाँ की लीलाएं हैं प्रेम सरोवर की लीला, जहाँ राधा जी के आंखों के आंसू से सरोवर बन गया है, ऐसे ये प्रेम सरोवर है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय। हम लोग अभी प्रेम सरोवर में आए हैं। वेलकम टू प्रेम सरोवर। यह स्थान किसी का है? यह मिलन का स्थान है। और कृष्ण ब्रज को छोड़ करके क्यों चले गए मथुरा और मथुरा से द्वारका, इसका कारण यहाँ पर इंगित किया गया है, बतलाया गया। यह विरह का स्थान नहीं है। यहाँ पर कृष्ण और राधा जी सब खूब अच्छी तरह से समझो भविष्य के। ये राधा और कृष्ण यहाँ पर मिले हुए हैं, चारों तरफ से सखियाँ हैं। और उस समय में राधा जी कृष्ण की गोद में बैठी हैं और कृष्ण अपना हाथ कंधे पर दे रखे हैं। मिलन की अंतिम ये सब, इसको कहते हैं संयोग लीला या मिलन। और उसी समय में एक भौंरा आया, राधा जी के चरण कमलों को कमल समझा और उसमें प्रवेश कर जाना चाहा। राधा जी डर करके उसे भगा रही हैं, किंतु वो भागता नहीं। वो समझता है उसका सुगंध आ रहा है जो कमल से भी अधिक, वो समझ रहा है जैसे ये कमल ही है और उसमें प्रवेश करना चाहता है। और राधा जी डर करके उसे भगा रही हैं, नहीं भगता है। मधुमंगल पास ही में खड़ा था, उसने लठिया से उसे भगाया और बहुत दूर भगा करके लौट करके आ गया और बोला, ये मधुसूदन को मैंने इतनी दूर भगा दिया जो कभी नहीं लौटेगा। राधा जी कृष्ण की गोदी में बैठी हुई और ये सुना जो मधुमंगल को भगा, मधुसूदन को भगा दिया। मधुसूदन माने भौरा भी, मधुसूदन माने कृष्ण का नाम भी मधुसूदन, इसलिए एकदम भूल गई जो कृष्ण की गोद में बैठे हैं और कृष्ण हमारे कंधे पर हाथ किए हुए, मैं भी अपने हाथ से उनको पकड़ी हुई है, ये भूल गई। और कहने मधुसूदन चले गए और विरह में आ गए। इसको क्या कहते हैं? नहीं, ये मादन की अवस्था है। मादन एक ऐसा भाव है ये केवल मिलन में ही होता है, विरह में नहीं होता। इस चीज को समझो, किंतु उसमें विरह की स्फूर्ति होती है, ये समझो। कभी भी वियोग में नहीं होगा। कब होगा? मिलन में होगा। किंतु वह ऐसा मिलन है कि गोदी में बैठे रहने पर भी ये कृष्ण में नहीं होगा,
ये किस में होगा? आश्रय में होगा। तो राधा जी में होगा किस स्थिति में? मिलन की चूड़ांत स्थिति में होगा। और उस समय में उनको स्फूर्ति होगी, कहाँ कृष्ण गए, कहाँ कृष्ण है। मिलन में वियोग की अंतिम स्फूर्ति होगी, इसे बढ़कर के वियोग भी नहीं होगा, किंतु होगा मिलन की स्थिति। तब इसको कहते हैं माता। उस समय में चिंता करते 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 कैसा हो जाएगा, उसी समय में अंतिम रूप में वो क्या वो बदला है, जो दस प्रकार का उद्धव जी ने चित्र जल्प प्रजल्प इत्यादि दिव्योन्माद अत्यंत अधिक रूप में हो जाएगा, जो कि दिव्य प्रेम वैचित्र इत्यादि जो महिष्य में होता है, ललिता विशाखा में भी होता है, उनसे भी बहुत ऊपर चला जाएगा, केवल ये राधिका में। उस समय में कृष्ण देख रहे हैं, हमारी गोदी में बैठी हैं, और मैं उनके गलबहिया दे बैठा हूं, और वो भी हमको पकड़ करके बैठी हैं, और इस मिलन में इनको वियोग की स्फूर्ति हो रही है, मसूदन कहा गया, मसूदन कहा गया, इसलिए उस मिलन में इनको वियोग की स्फूर्ति चूड़ांत रूप में होने के कारण इसको कहते हैं मदनाख्य भाव। ये केवल मिलन में ही होगा, विरह में नहीं होगा, इसलिए ऐसा सोचना ये विरह में मिलन हुआ, अब विरह और मिलन हुआ ये गलत, विरह में मिलन में ही विरह होगा तब ये वो होगा मादनाथ, नहीं तो नहीं होगा। मिलन में विरह, संभोग में अत्यंत अधिक, और उस समय में राधा जी कृष्ण की चिंता करते 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 एकदम उसमें मग्न हो जाएंगे। कृष्ण ने देखा जी हम इनके पास में हैं, कृष्ण सांत्वना देने की बड़ी चेष्टा की किंतु नहीं सांत्वना दे सके। उसमें कृष्ण सोचते हैं कि हो देखो मिलन में और इतना ये विरह में उन्मत्त हैं और बड़ी दुखी हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, तो फिर मिलन कैसा। बहुत कुछ चेष्टा की, नहीं कुछ कर सके। और देखा क्या और जगह में कहीं कि जहां पर विरह है उनका, कृष्ण वहां से चले गए हैं किसी तरह से, और राधिका जी ने मान कर लिया, और उस मान में जो विरह होता है, और उस विरह में क्या होता है, देखते हैं जो कृष्ण आ गए हमें मनाने के लिए। कृष्ण नहीं है, कृष्ण मनाने के लिए आए, और तो वो मान करके हंसती हैं, फिर अपना श्रृंगार करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, वो भूल गई ये कृष्ण यहाँ नहीं है। तमाल को कृष्ण मान समझ करके उसे आलिंगन करती हैं, आकाश को देख करके उसे मान करती हैं। अद्भुत, कृष्ण कहा जी अद्भुत। तो जब हम देखते हैं कि जब वियोग है उसमें ये सुखी हैं, उसमें वियोग में चिंतन करते 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 उसको मिलन की भावना आ जाती है, तो इसमें तो सुखी हैं, खाती हैं, पीती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, और मिलन में उनको इतना दुख होता है कि हम उनको सुखी नहीं कर सकते, बल्कि हमारे मिलन से उनको स्फूर्ति होती है विप्रलंब की, और वो बड़ी दुखी हो जाती है। इसलिए इनको तो सुखी नहीं कर सकता मैं, तो सुखी करने कैसे, यदि मैं दूर जाऊं और उनको वियोग हो और उसमें हमारी चिंता करते करते मिलन की स्फूर्ति आएगी तो वो सुखी रह सकते। ऐसा सोच करके कृष्ण सोचे जी अब यहाँ रहना ठीक नहीं, नहीं तो इनको सब समय दुखी रहेंगे ऐसे। और उसमें में मादन का जो वियोग होता है विप्रलंब, वो बहुत भयंकर, इसलिए राधा जी को सुखी करने के लिए, गोपियों को सुखी करने के लिए, ये वियोग में हमारा चिंतन करते 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 मिलन जैसा उनको सुख होगा, स्फूर्ति होगी, दूर ही रहना अच्छा, निकट रहेंगे तो इनको सब समय दुखी रहेगा, वियोग होगा इनको। इसलिए सोच करके संकल्प कर लिया कि अब हमको बहाना बना करके अब जाना है मथुरा, ऐसा बहाना बनाया।
बहाना क्या बनाया? अरे कंस को मारना है, इधर है अक्रूर जी को बुला ला है जोग मार से और मथुरा में। फिर हमें तड़प रहे हैं किंतु सोचते हैं कि यदि मथुरा में यहाँ जाऊं और गोपियों से मिलूं तो फिर वही मदनक विप्रलंब और महादुखी वो हो जाएंगे, इसलिए उनको सुखी करने के लिए वो दूर ही रहते हैं। इसलिए ये स्थान कौन सा है? उनके आंखों से नहीं, ऐसे प्रेम में द्रवित हो गई राधा जी, और उनको प्रेम में द्रवित होकर के देखते हुए कृष्ण भी प्रेम में द्रवित हो गए। वो उनका द्रवित स्वरूप ये प्रेम स्वरूप है। कौन सा प्रेम? मदनक का प्रेम में जो द्रवित है वो प्रेम है, साधारण प्रेम नहीं है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव वाला प्रेम नहीं, ये कौन सा प्रेम? ओ मदनक का प्रेम जिसमें राधा और कृष्ण, राधा जी को देख करके और उनके भाव संचरित हो, कृष्ण भी एकदम द्रवित हो गए और दोनों का मिला हुआ यह प्रेम सरोवर है। इसलिए हम लोग कोटि कोटि बार इसका नमन करते हैं, ये प्रेम सरोवर हमारे ऊपर में कृपा करें, जिन चीजों को हम अंततः समझ सके, नहीं तो कृष्ण को हम निष्ठुर समझेंगे। कृष्ण निष्ठुर नहीं थे, गोपियों को की सेवा के लिए, गोपियों को प्रीति करने के लिए, प्रीति बढ़ाने के लिए, सुखी करने के लिए वहां से मथुरा गए और उसी भाव से उनको देख रहे हैं। ट्रांसलेशन करें। ओम ज्ञान ते मदंदस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Most high class, topmost thing, and Maharaj is explaining also, difficult to get it and to understand, so I beg from him mercy so that I may speak something. Maharaj is clarifying here important point first to be noted. This is Prem Sarovar. This place is place of Milan. It is not the place of separation. It is not the place of Viraha. This is place of Milan. But Krishna went away from Braj to Mathura and Dwarka. Why? Apparently it appears that Krishna is very cruel to whom he loves so much, and those who love him so much, he is giving a very heavy pang and pain of separation. It appears that Krishna is very cruel, but it is not the truth. Why Krishna left from here? The cause of Krishna's leaving from Braj crop up here. That is to be understood. Once Radha Krishna was sitting here and all Sakhis were here. Meanwhile, a bumblebee, it came and saw Radharani's lotus feet. It appeared to bumblebee that such a beautiful flower, such a nice fragrance coming from out of it. It wanted to enter into that flower. Radharani tried to remove him away, but again it came. That greed to enter into that beautiful lotus again brought him at the lotus feet of Radharani. When Radharani was too much disturbed, at that time Krishna asked his friend Madhu Mangal, so Madhu Mangal, he took a small stick and with that stick he drove away that bumblebee quite away, and when he came back he said, I have driven away this bumblebee so away that now it will not return. Madhusudan, he spoke the word Madhusudan.
Now Madhusudan has many meanings. One meaning is Krishna himself and one meaning is bumblebee. Maharaj is explaining here that this is Madan Bhav. When Radharani heard Madhusudan has been driven away from here, that he will never come. Oh, Madhusudan has gone from here forever. Though she was in the lap of Krishna and Krishna's hand was on her shoulder, she forgot everything. Only one thing remained in her mind, that Madhusudan has left forever. And she started crying in that mood of separation. Maharaj is explaining Madan Bhav. First Madan Bhav he explained. This means meeting. This mood does not take place in any gopis, not even in Krishna. It comes in Radharani only. Practically, this is not separation. Madan means meeting. Practically, Radha Krishna are together. Radhaji is in his lap. But this Madan Bhav also increased now to this extent that though she is with Krishna, she is feeling the mood of separation so intense that this mood of separation goes to its highest extent. What extent Maharaj is saying? That all those 10 types of chitra jalp, different type of speaking without having one's own senses, and the word was spoken earlier that it is the state of prem vachitra. Maharaj said, note, prem vachitra is also seen sometimes in wives of Krishna, but it crosses and it crosses that also. This mood of separation is of very high class of mood, which is not seen in any gopi at all. When these feelings come, that at the stage of meeting, when Radharani is with Krishna, but feeling the mood of separation, this mood is called Madanakhya Bhav. Madan means meeting. Intoxicated. So when Radharani in the lap of Krishna started feeling such a high class of separation, then Krishna found, look, when I am with her and she is having mood of separation, and that too so much of high extent, that she is so much restless, she is so much in pain, that disturbed Krishna. And sometimes it was also seen that when Krishna is not there, Radharani was alone, and in that mood, in the state of separation, she started feeling that, oh, Krishna has come. She saw just sky, bluish sky, and she just adopted sulky mood. Oh, Krishna, you have come, I won't talk to you. Krishna is not there, but in the mood of separation, seeing sky, she is feeling as if Krishna has come. When she saw the tamal tree, it appeared to her that Krishna has come, and she is talking to Krishna. She started laughing, enjoying, and decorating herself that Krishna has come. So when Krishna is not there, she is feeling that Krishna is coming. Krishna is there, and she is enjoying as if she is meeting with Krishna. And when Krishna is there, when she is in the lap of Krishna and she is having pain as if Krishna is not there. So Krishna thought that I don't want to give pain and trouble to my beloved.
I should do something. If I will stay with her, she will be always in, she will feel pain. So I should go away from here. So he adopted some pretext to leave Braj and he went to Mathura and Dwarka. So these were only pretexts that he had to go to Mathura, he had to kill Kans, he had to do so many things in Dwarka. In fact, living in Mathura and Dwarka, he was feeling severe pain of separation, but he was not going to Radharani and Braj because he knew it. The moment he will go, they will again start feeling pain of separation. It will increase their pain of separation. So Krishna faced himself that pain and he did not go there. Hence Krishna is not cruel. It is out of his love and affection that he went from Braj. Gaur Premanande Hari Hari. I cannot explain Gurave Gaurachandraya Rajitaya Jaitagalaya Krishnaya Vishnuhattaya Tatvattaya Namo Namo. Hum log Guru Vaishnava ka anugrah se hame Srila Maharaj ka anugrah se parikrama karte hain.